ये वीडियो पसंद आई है किसी भी वजह से तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गाइस। आपके एक एक व्यूज मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो कृपया करके व्लॉग को पूरा देखना, इंजॉय करना, कुछ कमी हो तो बताना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और फिलहाल 6:30 बज रहे हैं अभी। दिव्या गेट अप बेटा, जल्दी उठो। दिबू, दिव्या जल्दी उठो बेटा। अब नहीं बेटे, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी उठो। चलिए गाइस कुछ प्रिपेयर करते हैं, कुछ बनाते हैं। फिर गाइस गोभी आलू बना रही हूँ, कुकर वाले गोभी आलू बना रही हूँ। आई एम श्योर गाइज आप सब ने भी बहुत बार कुकर में गोभी आलू बनाए होंगे, कुटमा गोभी आलू बनाए होंगे, पर आज मैं बना रही हूँ झटपट से गोभी आलू, क्योंकि फटाफट से दिव्या को स्कूल भेजना है। एंड कई बार इस तरीके की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक तरीका होता है रेगुलर आपका बनाने का कढ़ाई में गोभी आलू को फ्राई करके, और एक तरीका होता है ये जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैंने कुकर में जीरा लिया, प्याज भुना, प्याज अच्छे से जब मेरे भुन गए तो आज मैं अलग से गोभी आलू नहीं भूनूंगी, मैं प्याज के साथ गोभी आलू भूनूंगी। तो मैंने बस गोभी अपनी सारी डाल दी इसके अंदर, अच्छे से भूनने का काम करना है कुकर में। किस किस ने कुकर वाले गोभी आलू खाए हैं मुझे बताना। आज मैं बना रही हूँ लगी लिपटी सी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने अपने गोभी को भी प्याज के साथ अच्छे से भून रही हूँ। इसी के साथ साथ 1 से 2 मिनट अच्छे से गोभी को चलाने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी आलू। अब इसको आलूओं को भी अच्छे से भून दूंगी मैं गोभी आलू के साथ। अच्छा, मेक श्योर करना कि आपके आलू गोभी आलू अच्छे से भून जाए, ये अलग से क्योंकि हम फ्राई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसको ढक ढक के भूनेंगे, तो थोड़ा ढक के भूनने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गोभी आलू कैसे भुने। तो जब आप ये देखें कि इसमें ना अच्छे से लाल रंग चढ़ गया है गोभी पे, आलू पे हल्का। अच्छा, आप पे अगर टाइम है ना तो थोड़े ज्यादा देर और भून लीजिए। मेरे को ना एक चीज दिव्या को स्कूल भेजना है, तो मैं फटाफट से हल्का जल्दी जल्दी भूना, इसमें टमाटर डाला, और क्योंकि टमाटर गए हैं तो साथ के साथ हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। वही बेसिक मसाले देंगे, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये 4 बेसिक मसाले। और मसालों को अच्छे डाल के अच्छे से भूनेंगे, मसालों को पूरी तरीके से कोट करेंगे गोभी में, आलू में। अच्छे से भूनने के बाद एक बार ढक के छोड़ दीजिए, और मैंने 5-10 मिनट अच्छे से ढक के छोड़ा, थोड़ा सा भूनने दिया। आपको साइड में तेल छूटता हुआ मसालों का दिख रहा होगा। अब इसी के अंदर मैंने डाल दिया किचन किंग, ऑप्शनल है, आपका मन करे आप डालिए, बाकी किचन किंग से थोड़े से इनहेंस हो जाता है टेस्ट। और ऊपर से डाला गरम मसाला। अच्छा, मैं इसमें ना अमचूर का पाउडर डालना भूल गया, सुबह सुबह का टाइम होता है ना, इतना जल्दबाजी होती है खाना बनाने की कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बाकी अमचूर पाउडर डालोगे तो थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी और अच्छी टेस्ट आएगी। गरम मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला, जिससे कि कुकर बंद करके जब सीटी लगाऊं तो तलवा जो होता है ना कुकर का, उसमें ना चिपके सब्जी। बस इतना पानी मैंने डाला, बाकी सूखी सूखी लगी लगी लिपटी सी सब्जी बन जाएगी। अब मैंने गैस को कुकर को ट्रांसफर किया दूसरे गैस पर, दूसरे साइड में लग दूंगी, ये अपनी सीटी आएगी जब तक विसल आएगी। इसमें मैं अब बना लेती हूँ अपनी रोटियां। चलिए 1 से 2 विसल हार्डली गोभी आलू बनके तैयार है, वरना हलवा हो जाएगी गोभी आलू। चलिए अब बना लेते हैं रोटियां अपनी। इसमें आपको बता दूं कि अगर पराठा स्टफ्ड होता है तो ही पसंद आता है दीपू को लंच ले जाने में, वरना मैं उसको पूरी पराठा बहुत कम देती हूँ। वो हमारी तरह सिंपल लंच लेके जाती है रोटी सब्जी, तो यहाँ पर मैं वही रोटी सब्जी उसको पैक करूंगी। अदरवाइज का भी कुछ ऐसा है ऑप्शनल, आपने आपकी क्वेरी भी थी कि आप कुछ अलग नहीं देते हो दिव्या को, तो मैंने आपको वैसे बताया कि दिव्या को कोई भी और टिफिन ले जाना अलाउड ही नहीं है। सिंपल दाल रोटी सब्जी वगैरह, उसको रोटी सब्जी पराठी आलू की, ये सब अलाउड है, तो वो सब मैं बना के देती हूँ। दूसरा, आज फ्रूट ब्रेक में उसको खीर दे रही हूँ, लास्ट ब्लॉक में मंडे फास्ट के लिए मम्मी ने बनाया था तो बची हुई थी खीर, उसने कहा मम्मा आज फ्रूट ब्रेक में मेरे लिए खीर रख दो, तो थोड़ी सी खीर और रोटी सब्जी मैंने उसके लंच में पैक करा। ठीक है, बाय बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल के जाओ। बच्चों को ना आदत होती है इसकी, मैंने आदत डाल रखी है रोटी सब्जी की, सुबह पराठे सब्जी की, तो इसको आदत है। आ गया फोन। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो राइट नाउ दीपू चली गई है स्कूल, और अभी बज रहे हैं 7:20। सब्जी मेरी बन चुकी है, रोटी मुझे सेकनी है, थोड़ी सी रात के डिनर की भी प्रिपरेशन अभी करूंगी। फिलहाल मैं पानी पी रही हूँ, नॉर्मल फिल्टर वाटर, नो गर्म पानी, नथिंग एट ऑल। गर्मी बहुत है जिसकी वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी पानी गर्म पीने का।
और रात में जब मैंने ब्लॉग ओवर कर दिया था उसके बाद मेरे ना पेट में भी दर्द उठा था क्योंकि पूरे दिन तक कुछ नहीं खाया था। खाना खाया तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था ना, व्रत था मेरा, तो उसमें कुछ नहीं खाया रात को, और जब रात में खाना खाया उसके बाद जो मेरे पेट में दर्द उठा, करीबन आधा एक घंटा मैं पेट के दर्द से बहुत परेशान रही। तो बस इसलिए गर्म पानी वगैरह पेट में अभी नहीं अलग नहीं कर रही हूँ, बहुत हीट सी बन जाती है, इसीलिए नॉर्मल वाटर 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ। दूसरा कप चल रहा है, 1 गिलास ऑलरेडी पी चुकी हूँ। योरा नाश्ता है इनका। हाय गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक। सारा काम हो चुका है घर का, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ, अब नाश्ता कर रही हूँ। 2 ब्रेड के पीस है, पनीर की भुजिया है और एक कप हैवी मेड ब्रेकफास्ट। चलिए गाइस चलते हैं, दीपक जी पेट्रोल भरवाने गए थे। इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी, मेरे ख्याल से इतनी गर्मी पहले कभी पड़ी भी है, और गर्मी गर्मी से ज्यादा ना घुटन हो रही है। चलो चलते हैं, अपना बोरिया भी इस तरह ले लिया, अब चलते हैं ऑफिस। Let's go guys. चलती हूँ और सीधे मिलती हूँ आपसे ऑफिस पहुँचने के बाद, बहुत हालत ख़राब है, पहुँचती हूँ आपसे। Hi guys, welcome back. सो मैं ऑफिस में बहुत देर पहले आ गई थी, शाम 10 o'clock में ऑफिस में आ गई थी। फिलहाल मैं अपना लैपटॉप वगैरह खोल के काम करने लग गई, 11 बज रहे हैं अभी, मिल नहीं पाए है ना। आई एम हैविंग अ हाफ एप्पल, सो आई एम हैविंग अ हाफ एप्पल राइट नाउ, एंड मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, काम कर रही हूँ। वेलकम बैक गाइस, सो ये अभी 2:10 का टाइम है, मैं लंच कर चुकी थी, मतलब मैं 2 रोटी गोभी आलू की सब्जी एंड 1 दाल लाई थी, दाल इज बॉइल्ड दाल। सुबह सुबह डिनर भी बना लेती हूँ ना मैं, सुबह ही डिनर की हाफ प्रिपरेशन करती हूँ, हाफ घर जाके करती हूँ, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है। तो दाल वाल बना के रख दिया था, तड़का मैं शाम को जाके लगाऊंगी, एंड राइस जो भी सोस जो लोग सब प्रेफर करेंगे खाना उसके साथ वो बनाऊंगी। तो मैंने आज क्या किया था, गोभी आलू की सब्जी एंड रोटी लेके आ गई थी, साथ में मैंने गरम गरम बॉइल दाल डाल ली थी, तो मैंने 2 रोटी सब्जी खा ली है, दाल पी रही हूँ, खिलाई थी मैं, देखो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। फिलहाल चलते हैं कहाँ, घर, टाइम हो गया घर जाने का, 6 बजने वाले हैं, 5:40 हो चुके हैं, ऑटो लेते 5:30 की छुट्टी होती है ना, तो मुझे 10 मिनट लगता है पैक वैक करने में, ऑटो बुक करने में, बुलाने में, फिलहाल अभी 2 मिनट बता रहा है आने में, तो चलिए हम इसको आने देते हैं और आपसे मिलते हैं ऑटो लेकर। दिव्या उठो बेटा, 6 बज रहे हैं। क्या कर रखा है ये दाल वाल सब। चलिए गाइस चलते हैं, मम्मी को पीना है नींबू पानी, ये रही मम्मी, माता से नींबू पानी बनाते हैं मम्मी के लिए, और दिव्या को प्रिपेयर करानी है कुछ लाइंस। दिव्या मेरे को नींबू निकाल दो बेटा प्लीज, थोड़ा ठंडा पानी यहाँ पर बेटा, देखती हूँ मैं कुछ करती हूँ, दवाइयाँ लाती हूँ, बाहर ही ठंडा पानी रखा है ना वो भी दे देना, मैं बना देती हूँ दादी के लिए पहले।
ओके। चलिए गाइस देखते हैं क्या प्रिपेयर करना है अब, ठीक है। शाम की तैयारी भी करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। चलो हाय गाइस वेलकम बैक। सो मम्मा को नींबू पानी बना के मैंने दे दिया। अब मैं फिलहाल लिख रही हूँ सम लाइंस ऑन इंडिया। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, कुछ लाइंस इंडिया के ऊपर लिखनी है दीपू को। दीपू के स्कूल में कुछ फंक्शन होने वाला है या इंटरनली अपने स्कूल में जब प्रोग्राम होगा ऑन 15 अगस्त, तो उसके लिए यहाँ पर लाइंस देनी है। दिव्या अपने हाउस से सेलेक्ट होगी कि उसको कुछ लाइंस दो लिख के सुनाएगी तो सेलेक्ट होना होगा। तो मैं मोबाइल से इधर उधर से ढूंढ के कुछ इम्प्रेसिव सी लाइंस लिख रही हूँ। इसके बाद ये रिवाइज करेगी और मैं कुकिंग करूंगी, मैं खाना बनाऊंगी। तो पहले इसको लाइंस लिख देती हूँ, एक बार इसको रीड करवा देती हूँ एंड उसके बाद थोड़ा सा एक अच्छा रिविजन करवा के मैं अपना कुकिंग पे करूंगी और ये प्रैक्टिस करेगी इसकी। मैं डिनर बनाऊंगी और ये प्रैक्टिस करेगी इसकी। चलिए बैक गाइस, तो फिलहाल किचन में हूँ, बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगाया है। अभी सुबह बना के गई थी दाल, यहाँ पे रोटियां सीख रही है। मम्मी कह रही है जो रोटियां रखी हुई है ना मेरे, तो वो सेक, उसमें ना वैसे अच्छी लगती है ना, कभी कभी ऐसे ऑयल लगा के घी लगा के ना रोटी को, पुरानी जो पासी रोटी समझ लो यार, सुबह की बनाई हुई या रात की बनाई हुई रोटी को जो दोबारा सेक देते हैं। तो मम्मी कह रही है तू ना वो मत करियो, मेरे को ऐसे बना के दियो। कभी कभी ना ऐसी रोटी बड़ी पसंद आती है। और यहाँ चल रही है चावल बन रहे हैं अभी, तो कोई कर रही हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी मम्मी को खाना लगा दिया मैंने, यहाँ पर मैं सेक रही हूँ। कौन कौन बताना किस किस के घर में ऐसा होता है? मेरे घर में तो होता है भाई, कितनी बार हम बासी रोटी को अगले दिन घी लगा के या सुबह लेफ्ट ओवर रोटियां, मैं आपको पता है लंच तक की सेक के जाती हूँ। अगर बाय चांस मम्मी ने लंच में रोटी नहीं खाई या किसी वजह से रह गई तो मम्मी कहती है वो सेक दिया कर, मेरे को अच्छी लगती है वो वाली रोटी। मुझे भी अच्छी लगती है नो डाउट, मुझे तो और उसमें नमक मिर्च लगा के अच्छी लगती है खानी एंड टेस्ट। चलो छोड़ो, फिर आप कहोगे कि बात बना रही है, वरना मैं आपको बताऊं बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बासी रोटी के। यस, बहुत सारे, आप कभी गूगल करना आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ पर वही सब हो रहा है सारा काम, खाना खिला रही हूँ सबको। एक बार खाना खिला दो, दिव्या वो प्रैक्टिस कर रही है अपनी लाइन्स की एंड उसके बाद उसको फ्रैक्शन सिखाने हैं। अब ये है डिनर टाइम, फैमिली टाइम आप कह सकते हो, हम सब डिनर कर रहे हैं। ये है मेरा खाना, मैंने एक कटोरी में थोड़े से दाल राइस लिए हैं, थोड़ा सा आम का अचार लिया है और सब कर रहे हैं यार डिनर और कर रहे हैं फैमिली टाइम एंजॉय। सो राइट नाउ ऑल वर्क इज डन, मैंने जरा व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करी। जो रेगुलर नाइट रूटीन है, किचन क्लीनिंग, डिश वॉश, तो सब हो चुका है। सुबह की तैयारी के लिए मम्मी ने भिंडी धोए थे कि भिंडी कट जाएगी, बट अभी दीपक जी का प्लान चेंज हो गया सुबह के लिए, मुझे भिंडी नहीं खानी तो फिलहाल के लिए भिंडी नहीं बना रही हूँ। देखते हैं क्या बनाते हैं, सुबह का सुबह बताएंगे, वरना के मतलब कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको क्लास शेयर करूंगी। फिलहाल अभी ना, अभी जो टाइम हो रहा है वे 9:20 हो रहे हैं, मतलब कि सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। अब आधा फोन घंटा कम से कम 40 मिनट्स दिव्या को लेकर मैं बैठूंगी। इसके कुछ नए टॉपिक्स जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, रोज क्लास टेस्ट हो रहे हैं, रिविजन टेस्ट हो रही है, उसकी तैयारी कराऊंगी। तो लेट्स डू इट एंड मिलती हूँ और से थोड़ी देर में। फ्रैक्शन का टेस्ट कैसे नहीं लूंगी ना, दिखाओ मुझे। मैम ने कॉपी में रिवीजन कितनी करवाई है दिखाओ पहले, फ्रैक्शन का स्कूल कॉपी में कितनी रिवीजन कराई है, कॉपी में रिवीजन लिए मैम ने। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, दो दिन से मैं दिव्या को डेली फ्रैक्शन सिखा रही थी क्योंकि स्कूल में टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शंस का एंड कल है क्लास रिवीजन टेस्ट,
सो दैट कि मैंने आज उसका फ्रैक्शन का एक रिवीजन बनाया है. टोटल बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं किया है, जितना कॉपी में करवाया है स्कूल कॉपी में, जितना काम सिर्फ स्कूल कॉपी में करवाया है अभी मैंने सिर्फ उतनी ही चीज़ों, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का रिवीजन लिया है. सो दैट कि अभी दो दिन से जो जितना सीख रही है उसको थोड़ा पक्का करेंगे. तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी. राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहले वर्ड्स में दे दिया उसको फ्रैक्शन में लिखना है, देन मैंने फ्रैक्शन में दे दिया अब उसको वर्ड्स में लिखना है, देन यहाँ पर वो उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दे दिया है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन फॉर्म दिया है तो यहाँ इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बताने हैं, इसमें इसको डिनोमिनेटर्स बताने हैं इसमें. एंड अगेन राइट द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट, तो यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट्स को कलर्ड कर दिया है, अब ये फ्रैक्शन लिखेगी कितना बाय कितना फ्रैक्शन होना चाहिए. सिमिलरली मैंने यहाँ पर कुछ भी कलर नहीं किया है लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन लिख दिया है तो इसको पता होना चाहिए कि कितने पार्ट में कलर होगा एंड सो ऑन. मैंने कुछ इस तरीके से टेस्ट बनाया है एंड अभी डू इट दिव्या, आप करो ठीक है, फटाफट फिनिश करो. तो अभी एक एक क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन सब में, तो वो पहले जब ये सारा टेस्ट कर लेगी तब बताऊंगी उसको. इसी का टॉपिक है वो भी एक और, जिसमें 3x4, 5x6 ऐसे, 3x6, 6x12, थर्ड फोर्थ ऑफ दिस नंबर, फिफ्थ फोर्थ ये वो ऐसे करके मतलब बहुत सारे हैं जिसमें इसको फ्रैक्शन पता होना चाहिए तो वो बताऊंगी. तो ये एक छोटी सी चीज मैंने आपके साथ सिर्फ शेयर इसीलिए की है क्योंकि बहुत बार आप उसे पूछते हो कि आप दिव्या का रिवीजन कैसे कराते हो. बहुत टाइम्स आपने मुझसे पूछा है कि मैं दिव्या का रिवीजन कैसे कराती हूँ, इसीलिए मैंने आज आपके साथ शेयर किया. क्या बन रहा है? उत्तम ला रहा हूँ बेटे. हाय गाइस, वेलकम बैक. सो राइट नाउ अगला दिन है, नेक्स्ट डे सुबह सुबह का दिन है, आज है वेडनेसडे. आप लोग जो क्लिप देख रहे हो ये वाली, और दीबू स्कूल जा रही है, आज बना रही हूँ दीबू के लिए उत्पम. काफी टाइम बाद एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उसके साथ कि कुछ अच्छा खा ले वो, तो उसके लिए उत्पम बना रही हूँ. तो ट्रायल बेसिस पर भी उसको देती हूँ. दीबू लो बेटा, एक खाओ और एक ले जाओ. नहीं, दो लेके जाएगी, एक पास ला के दिखाओ. सो यहाँ भिंडी कटी हुई है जिसकी तैयारी करनी थी बट ये कैंसिल हो गई अपन ना, तो यहाँ पे बैटर तैयार है इसका. सूजी दही और पानी में पहले घोल बना के 10 मिनट के लिए रेस्ट किया, फिर जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हो, मेरे पास बेल पेपर्स थे, प्याज था, टमाटर था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी एक सूजी का ये बन के तैयार होता है. इंस्टेंट उत्पम बहुत टेस्टी लगता है खाने में, सबको पता है, सब टेस्ट करते हैं, हम लोग बाहर जाके खाते ही हैं रेस्टोरेंट वगैरह में. उसको लंच सारा फिनिश करना है. बाय, वेलकम बैक गाइस. तो दिव्या चली गई स्कूल फिलहाल, अब हम पीते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, 10 मिनट रिलैक्स होते हैं थोड़ा सा. मॉर्निंग ड्रिंक में आज आपने देख ही लिया होगा, उस टाइम मैंने रख रखा था बना के, तो अदरक दालचीनी का पानी विद हनी एंड थोड़ी सी दो चार बूंद और नींबू का रस डाला है इसमें. दैट्स इट. चलिए अब पीते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में. सब हर ख्वाहिश पूरी होगी. सो गाइस, आप दिव्या को भेजने के बाद, मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद, मैं बना रही हूँ खाना लंच बाकी सबके लिए दोपहर के लिए. हम लंच लेके जाएंगे, मम्मी दिव्या से दोपहर में लंच करेंगे. तो मटर और ये दाल की बढ़िया होती है इसकी सब्जी बना रही हूँ एंड साथ में उत्पम बना रही हूँ अपने लंच के लिए. आज मैं उत्पम नाश्ता करके नहीं जाऊंगी, उत्पम लेके जाऊंगी नारियल की चटनी के साथ, मेरे पास रखी हुई है नारियल की चटनी उसके साथ, तो मैं लेके जाऊंगी लंच में उत्पम. एंड साथ में बन रहा है खाना, साथ में चढ़ा दी है चाय मम्मी की. चाय भाई सुबह से काम करते रहते सब थक जाते हैं, आपको उधर दिखाती हूँ.
इधर देखो मेरी माता श्री कपड़े धो रही है, यहाँ पे मम्मी लगी है सुबह सुबह काम पर। और मम्मी ने आज फिर अभी इसी ब्लॉग में देखा था अभी कंटिन्यू देखते रहते, हमारे बेड पे बेडशीट थी बट फिलहाल अब बेडशीट हट चुकी है, तो दीपू जी निकाल दो मैं बिछा देती हूँ अभी क्या अभी, वरना लोग बोलेंगे आपके बेड पे बेडशीट नहीं होगी। तो अभी जस्ट मम्मी ने मशीन लगाई है तो निकाल ली है हमारी बेडशीट धोने के लिए। और मेरा घर बिल्कुल क्लीन है इस टाइम, आप देख सकते हैं। क्लीन नहीं है अभी, क्लीन होना है, पोछा लगना है। पोछा लगना है ना, तो वो काम करते हैं दीपक जी मेरे हस्बैंड, घर की साफ सफाई वो देख लेते हैं, खाना पीना मैं देख लेती हूँ, कपड़े लगते मम्मी देख लेती है। और इस तरीके से मेरे घर का जो, आखिर गर्मी बहुत हो रही है, इस तरीके से मेरे घर का जो काम है सारा परिवार मिल बांट के कर लेता है, एक बंदे पे लोड नहीं आता। हाँ हर मेरे ऊपर मैं ये कह सकती हूँ कि 70-30 का होता है, 30% काम मम्मी और दीपक जी कर लेते हैं, 70% मेरे ऊपर आता है, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि आप अपने घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहू हो, घर की लड़की हो, आपके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम लोड होता है। और मम्मी एज अभी एजेड है, उतनी वो नहीं है, दीपक जी जितना संभाल सकते हैं वो संभाल लेते हैं, तो 70% थोड़ा सा मेरे पे ज्यादा वर्कलोड होता है। बट मैं ये फिर बोलूंगी कि हाँ मेरे फैमिली मेंबर्स मेरी बहुत सपोर्ट कर देते हैं, जैसे मम्मी एक काम किसी ने पकड़ लिया कि मैं कर देता हूँ, एक काम दूसरे ने पकड़ लिया कि मैं कर देता हूँ, तो जो मेजर वर्क है वो चीज फिर थोड़ा सा आप सॉर्टेड होकर कर लेते हो, आपके पास टेंशन नहीं होती अरे यार मेरा वो काम छूट रहा है या ये काम भी छूट रहा है। तो इसी वजह से मैं सारे काम कर भी लेती हूँ, शायद 8 घंटे की बाहर जाके नौकरी भी कर लेती हूँ और एक YouTube चैनल भी संभाल लेती हूँ और अपने बच्चे की पढ़ाई भी देख लेती हूँ विदाउट एनी ट्यूशंस, विदाउट एनी कोई हाउस हेल्प, कोई काम वाली नहीं है मेरे घर में, हमें अकेले कर लेते हैं, तो हमारा परिवार मिलकर सारा काम कर लेता है। इस वेलकम बैक, मैं बिल्कुल रेडी हूँ नहा धोके, बस मेकअप में किया है, नहाया धोया है, आज शावर लिया था, बाल धोए थे, क्योंकि गर्मी है ना कि हर 2-2 दिन पे बाल धोने पड़ रहे हैं, दीवार पे चिपचिपापन बहुत कुछ हो जाता है, नमी हो रही है, तो हेयर वॉश किया है। एंड नाश्ते में उत्पम है, लंच में आपको बताया था, लंच में उत्पम लेके जा रहे 2 उत्पम, एंड नाश्ते में मैंने वही रोटी सब्जी जो मैंने बनाई है, सिर्फ 1 रोटी एंड अपनी सब्जी नाश्ता करके जाती हूँ। Hi guys, welcome back. So I'm in the office right now. और अब ये vlog over करती हूँ, कल से continue कर रखा है और बस बनाए जा रही हूँ, end up नहीं हो रहा vlog का, तो अब ये vlog over करती हूँ। Guys, आप लोग के जो vlog मैंने कल डाला था और suggestions आपसे मांगी थी, उस पर बहुत सारे suggestions मुझे दिए हैं, जिसके बारे में बात करूंगी मैं इस vlog में नहीं, अगले vlog में, next vlog में। इनफैक्ट क्या डिसीजन मैंने लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड उसके साथ अपने विचार, अपनी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट मैं बहुत सारे थे लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, आपने आप सबने मुझे सपोर्ट किया, अपनी राय, अपने सजेशंस मुझे दिए, एंड सच में आई एम ब्लेस्ड। क्या आप मुझे पता है कि मैं कहीं भी अटकूंगी ना तो आप लोगों के आगे आ जाऊं, सारे क्वेश्चंस अपने दिल की बात रख दूं और मुझे बहुत सारे सजेशंस मिल जाने वाले हैं, तो सीरियसली थैंक यू सो मच गाइस। एंड स्पेशली एक न्यू है वो मेरे चैनल पे, मेघा यादव, उन्होंने बहुत बड़ा एक कमेंट लिखा जिसमें उन्होंने जिम के क्या फायदे हैं, टाइम मैनेजमेंट, अबाउट कार्डियो, अबाउट हेल्दी डाइट, उन्होंने बहुत सारी होम वर्कआउट, टाइम मैनेजमेंट एंड रूटीन, रेस्ट एंड रिकवरी, कंसल्ट एंड प्रोफेशनल, सो ऑन, उन्होंने पूरा एक छोटे छोटे ब्रीफ डाले हैं मुझे इन सब चीज़ों के, तो उन्होंने उसमें बहुत कुछ मुझे बताने की कोशिश करी। एंड यस, मैं कुछ ज़रूर सोच रही हूँ वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू मेघा जी फॉर शेयरिंग दिस, आई नो आपने टाइम निकाल के मेरे कमेंट लिखा, इतना बड़ा कमेंट लिखा और आपने मुझे सजेस्ट किया, थैंक यू सो मच मेघा यादव, थैंक यू सो मच। एंड बाकी सबको भी बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, इतने प्यारे सजेशंस देने के लिए, डेफिनेटली किसी के भी सजेशंस बेकार नहीं जाएंगे, जो भी सजेशन जिसका एक निचोड़ निकला है, बहुत सारे सजेशंस का एक निचोड़ निकला है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में पक्का इस बात को कि क्या कर रही हूँ मैं इन माई नेक्स्ट वीडियो, उसका वेट करना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गाइस, आपकी एक एक व्यूज़
मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो कृपया करके व्लॉग को पूरा देखना, इंजॉय करना, कुछ कमी हो तो बताना, अच्छा लगे तो बताना, बुरा लगे तो बताना। मैं अपनी लगातार आपके कमेंट के जरिए अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करती हूँ, एंड कोशिश करती हूँ कि हर एक वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, एंड साथ के साथ आप एंटरटेन भी हुए। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ गिव मी योर लव सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।